गाइज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस फोन की वजह से, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और अभी ये फोन ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। हो क्या रहा है इसमें, ये स्टोरेज जो है ना वो फुल हो जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं स्टोरेज इसमें फुल है। हाँ यहाँ पे लिखा है इंटरनल स्टोरेज रनिंग लो। स्टोरेज अगर मैं इसमें आपको दिखा बताऊँ तो 3/32 ये फोन है, 3 GB रैम है और 32 GB रोम है, इंटरनल है। लेकिन वो भी मैं ज्यादा वीडियो फोटो भी नहीं जिसमें यूज कर रहा हूँ, ज्यादा इसमें कोई डेटा भी नहीं है वैसा, ये स्टोरेज फुल हो जा रहा है, काफी प्रॉब्लम हो रहा है। अरे भाई कैसे होगा, वीडियो भी नहीं बन पा रहा है। मैं इस वीडियो में इसका सोल्यूशन तो मैं निकालूंगा आज, कुछ भी हो जाए स्टोरेज तो बढ़ जाएगा ही, और वैसे मैं बढ़ा चुका हूँ इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी। मैं काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन मैं सोचा कि नहीं ऐसा कुछ ना कुछ तो तरीका है होगा, फिर मैं रिसर्च करने के बाद मैं निकाला। अब मेरा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल चुका है। अब ये जो मेरा फ़ोन स्टोरेज फुल हो रहा है अब ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा तो इस वीडियो को आप इन तक जरूर देखिएगा। हाँ आपका फ़ोन स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगा, पक्का 100% श्योर है। हाँ अगर आप अपने फ़ोन से परेशान होंगे कि आपका फ़ोन का स्टोरेज बार बार फुल हो जा रहा होगा, कहीं पे भी अगर गए वहाँ पे फोटो अगर क्लिक करने लगे भाई यहाँ पे स्टोरेज ही फुल है, कैसे होगा। आप काफ़ी फोटो वीडियो सारे डिलीट कर दिए हैं फिर भी स्टोरेज फुल दिखाता है। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में मैं अपने फ़ोन का स्टोरेज इंक्रीज किया हूँ और करके फिर से दिखाने वाला हूँ। हाँ और ये नहीं कि 2-4 GB होगा, आप 10, 15, 50, 100 GB तक स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हैं। और ये नहीं ऐसा कि फॉल्स आपके फ़ोन में 32 GB स्टोरेज है तो 100 GB करेंगे तो नहीं, वो 32 GB पे ही वो 100 GB बस शो करेगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 100 GB अगर आप स्टोरेज इंक्रीज करते हैं तो 100 GB का आप यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे। हाँ ऐसा नहीं है कि 32 GB है ये इसमें स्टोरेज तो वो 32 GB पे ही बस वो फॉल्स दिखाएगा कि 100 GB हो गया, नहीं भाई वो 100 GB आप यूज करेंगे, 100 GB में डेटा रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है, क्या है वो ट्रिक, मैं क्या लगाया हूँ जिससे कि अपने फ़ोन का स्टोरेज मैं इंक्रीज किया हूँ। अपने फ़ोन में 2 GB भी स्टोरेज है, 3 GB भी है, 8 GB भी है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं कम से कम स्टोरेज वाले फ़ोन में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं रोशन विश्वकर्मा और आपका बहुत स्वागत है टेक आर के इस नए वीडियो में। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से अभी प्रेस कर लीजिए। तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है जब ऐसा फेस करना पड़ता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है तो काफ़ी मतलब दिमाग हिल जाता है भाई अब क्या किया जाए, अब कहाँ पे इसका यूज करें। सारा डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिए, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी थे, पर्सनल जो डेटा थे जिसे डिलीट नहीं करना चाहिए था वो चीज़ भी डिलीट करना पड़ा, फिर भी ये स्टोरेज नहीं खाली हो रहा है। और ये फ़ोन तो लैगिंग हैगिंग क्या क्या करता है पता नहीं चलता है स्टोरेज फुल होने की वजह से, स्पेस ही नहीं है तो आप चलाएंगे कैसे फ़ोन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक मैं क्या लगाया हूँ जिससे कि अपना फ़ोन का स्टोरेज मैं इंक्रीज किया हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो चलिए यहां पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया। मैं आपको बता दूं कि आपके फोन में डिफॉल्ट फाइल मैनेजर होगा ये वाला, ठीक, ये वाला फाइल मैनेजर। ओके यहां मैं आपको दिखाता हूं, ओपन कर लिया। हाँ यहां देख सकते हैं कि 29 GB यूज है, 32 GB का 29 GB यूज है, यानी कि 29.8, यानी ऐसे देखो तो 30 GB यूज है, 2 GB खाली है, फिर भी यहां पे मेरा स्टोरेज ये फुल दिखा रहा है। अब चलिए यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ भी देखिए 32 GB का 2 GB खाली है, ठीक है। इसके अलावा 1 GB SD कार्ड, इसमें मेमोरी लगा हुआ है, मेमोरी कार्ड लगा हुआ है वो भी 8 GB का, 1 GB खाली है वो, ठीक है। तो यहाँ तो 2 GB खाली दिखा रहा है, यानी इसमें 2 GB का ही डेटा हम अभी रख सकते हैं, 2 GB तक ही। अभी मैं ये डिलीट करने के बाद 2 GB दिखा रहा है, ये तो फुल हो गया था पूरा, 200-300 MB खाली था। तो ये मैं इंक्रीज किया कैसे वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी इंक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई इंक्रीज मैं नहीं किया हूँ। देखिए एक एप्लीकेशन मैं अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा हूँ जिसका नाम है सॉलिड एक्सप्लोरर, ये वाला जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन के जरिए मैं अपने फ़ोन में 15-30 GB का मैं स्टोरेज क्रिएट कर लिया हूँ। यहाँ मैं पर अपने फ़ोन का ये फिंगरप्रिंट लगा लिया टेकार नाम से, यहाँ पे देख सकते हैं लोड हो रहा है, पहले मैं अपना इंटरनल ओपन कर लिया। हाँ ये मेरा फ़ोन का है जो कि 32 GB ये स्टोरेज है, यहाँ देख सकते हैं डिफॉल्ट मेरे फ़ोन में है वो वाला फाइल यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, पहले मैं इसमें किया क्या हूँ वो चीज़ मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा इंटरनल है, ठीक है, जो कि 32 GB का स्टोरेज है ये, जो कि मेरे डिफॉल्ट फ़ोन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा फाइल वगैरह जो है, जो कि मेरा ये नॉर्मल जो फाइल मैनेजर था उसमें ये सब डॉक्यूमेंट ये सब फाइल है यहाँ पे, तो वही फाइल यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए SD कार्ड 7 GB का,
ये तो नॉर्मल मेरा फोन में है, 32 GB का यहाँ पे है और ये 8 GB का मेमोरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो स्टोरेज में यहाँ 1, 2, 3, 4 यहाँ पे स्टोरेज अलग अलग क्रिएट किया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। एक है यहाँ पे 19 GB का। हाँ, एक और चीज़ इस फोन में कमियाँ है कि यहाँ पे अगर मैं फ़ोन में देखूँ तो यहाँ पे हम 32 GB टोटल स्टोरेज जो है 32 GB है। अगर मैं यहाँ से फाइल मैनेजर ओपन करके दिखाऊँ, सेटिंग्स ओपन करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखिए अबाउट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी शो कर रहा है 32 GB टोटल स्टोरेज है 32 GB फ़ोन का। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए 19 GB ही दिखा रहा है, यानी इसमें भी फ्रॉड है। ये फ़ोन बोल रहा है कि 32 GB दे रहा है लेकिन 32 GB पूरा दे नहीं रहा है। यहाँ पे ये 19 GB ही यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे 19 GB ही दिया है। चलिए, उससे हमको मतलब नहीं है कि कितना दे रहा है, वो मैं इंक्रीज किया हूँ वो चीज़ मैं दिखाता हूँ। हो सकता है ये कोई रीजन वर्स ऐसा होगा कि 19 GB यहाँ पे दिखा रहा है, वहाँ पे 32 GB। तो चलिए, यहाँ पे अपना इंटरनल जो डिफॉल्ट फ़ोन में है वो वाला रहा पहला। इसके अलावा नीचे SD कार्ड जो मेरा मेमोरी कार्ड लगा हुआ है अलग से, उसके अलावा मैं यहाँ पे देखिए 15 GB का दो और स्टोरेज क्रिएट किया हूँ, ड्राइव क्रिएट किया हूँ, टेक आर 2.0 के नाम से। यहाँ पे पहला रहा इंटरनल मेमोरी SD कार्ड और तीसरा रहा ये टेक आर और चौथा रहा ये टेक आर 2.0। तो इसके जरिए और मैं जैसे यूज कर सकता हूँ ये दोनों को, SD कार्ड को और इंटरनल मेमोरी को, उसी तरह से टेक आर 2.0 को भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरे फ़ोन में नहीं है, ये मेरा अलग से स्टोरेज क्रिएट किया हुआ है, वो भी इंटरनेट पे, मतलब ये मेरा गूगल ड्राइव पे अपलोड होगा। हाँ, अब आप बोलेंगे गूगल ड्राइव पे 15 GB ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस ईमेल से आप बनाएंगे 15 GB, तो ईमेल से ये क्रिएट करना है, ऐसे करना हो, मैं अभी क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख लिए कि मेरा स्टोरेज ये क्रिएट यहाँ पे किए हैं और इसके जरिए मैं अपने फ़ोन का स्टोरेज 15 GB और बढ़ाया हूँ, यानी कि 30 GB पहले से था और 30 GB अभी बढ़ाया, यानी कि 60 GB मेरे फ़ोन का स्टोरेज हो गया और 60 GB मैं डेटा यूज कर सकता हूँ, रख सकता हूँ उसमें। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉलिड एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप अपने फ़ोन के स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, ये जैसे नॉर्मल आपके फ़ोन में फाइल मैनेजर है, जस्ट उसी तरह से ये एप्लीकेशन काम करेगा। जस्ट उसी तरह से एप्लीकेशन, वो आपका जो फाइल मैनेजर है उसके जगह पर ये बैठेगा और उसके जगह पर ये काम करेगा। जितना वो काम करता है उससे ज़्यादा फीचर लेकर के इसके पास है, उससे ज़्यादा फीचर ये आपको देता है। हाँ, तो चलिए, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें फीचर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है व्यू ऑप्शन का। व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ये आपको व्यू देखने का जो है ये अभी है ऐसे लिस्ट फॉर्म में। इसे आप ग्रिड में भी कर सकते हैं, गैलरी में भी कर सकते हैं और भी तरह तरह के आपको ये यहाँ पे चेंज कर सकते हैं व्यू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप फोल्डर ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन में जो हमको ज़्यादा बढ़िया लगा ये रहा शो फोल्डर साइज। शो फोल्डर साइज जो है यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि कितना बड़ा फाइल है आपके नॉर्मल डिफॉल्ट में। अगर आप देखते हैं यहाँ से, मैं पहले वो वाला व्यू को चेंज कर लेता हूँ जो पहले था, लिस्ट में कर लेता हूँ। हाँ, तो पहले क्या था कि अगर आप ये अपने फ़ोन में अगर किसी भी स्टोरेज को चेक करना चाहते हैं कि कितना GB का फाइल है ये, तो उसमें आपको प्रॉपर्टीज में जाने के बाद, डिटेल में जाने के बाद वहाँ पे देखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आप ये शो फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे शो फोल्डर साइज अगर चेकअप कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बगल में यहीं पे दिख जाएगा कि कितने GB का फाइल है यहाँ ये। जैसे कि एंड्रॉयड जो है 1 GB का है, इसके अलावा यहाँ पे DCM फाइल जो है 860 MB का है। इस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टोरेज सबसे ज़्यादा है, किस में ज़्यादा फोटो वीडियो हैं भरे हुए हैं, जो आपको फाइल फालतू का लगता है उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये कुछ कुछ ये फीचर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो फीचर जो मिलता है जो काफ़ी यूजफुल लगा मुझे, वो है कि आप इसमें स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, वो बताता हूँ। उससे पहले और कुछ मैं बताता हूँ इसमें। इधर आपका इंटरफेस ऐसा मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि कितना स्टोरेज आप इंक्रीज करके रखे हैं। जैसा कि मैं अभी 2 इंक्रीज करके रखा हूँ, 2 मेरा पहले से है, यहाँ 4 स्टोरेज यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा नीचे और भी रिसेंट फाइल वगैरह दिख जाता है। तो ये सब तो नॉर्मल है, आप यूज करेंगे समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक और ज़्यादा बेहतर बढ़िया है जो फीचर है, यहाँ पे आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये इंटरनल मेमोरी है मेरा, ये डिफॉल्ट जो है 32 GB का ये रहा ये स्टोरेज। इसके अलावा यहाँ से टेक आर को ओपन करते हैं तो ये 15 GB का है, ठीक है। यहाँ से मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूँ,
हाँ, तो यहाँ ये लोड हो रहा है, इसलिए लोड हो रहा है क्योंकि ये इंटरनेट पे है, ऐसा नहीं है कि मेरे फोन में है। गूगल पे ये मेरा अपलोड है, गूगल ड्राइव पे। तो यहाँ देख सकते हैं ये मेरा टेकर ओपन हुआ है और यहाँ पे ये फाइल मैनेजर। तो यहाँ ये आप डायरेक्ट कोई भी फाइल में ऐसे स्विच हो सकते हैं, ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एक और बढ़िया फीचर मिल जाता है कि अगर आप चाहें कि कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट ऐसे करके पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कट करना चाहते हैं तो भी ये, मतलब इसका इंटरफेस जैसे आप लैपटॉप में सिस्टम में चलाते हैं उसी तरह से इसे आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो अपना स्टोरेज है उसे क्रिएट कैसे करना है, आप स्टोरेज बढ़ा कैसे सकते हैं अपने फ़ोन में। तो सिंपल है, बस यहाँ प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे न्यू क्लाउड कनेक्शन जो है इस पर क्लिक कर देना है, थर्ड वाले ऑप्शन जो है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव और भी बहुत सारे यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप यहाँ से ड्रॉप बॉक्स अगर यूज करते हैं ड्रॉप बॉक्स सेलेक्ट कर लीजिए, अगर गूगल ड्राइव यूज करते हैं तो गूगल ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर और भी है आपको जो सुविधा लगता है इस पे अपलोड करना है। गूगल ड्राइव मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से डिस्प्ले नेम फॉर दिस कनेक्शन, यानी जो आप ये स्टोरेज क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम आप कोई भी दे दीजिए, यहाँ पे मैं रोशन दे देता हूँ। ओके ए भाई, यहाँ पे मैं रोशन हाँ टाइप कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ लॉग इन टू गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव जो है आप किससे लॉग इन करना चाहते हैं, कौन सा अकाउंट से, यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करना होगा, आपके फ़ोन में लॉग इन होगा। यहाँ से बहुत सारे मेरे फ़ोन में ईमेल आईडी है, यहाँ मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर लिया ठीक है। अब मेरा ये गूगल ड्राइव ये सेलेक्ट हो गया, ईमेल आईडी गूगल ड्राइव पे मैं जगह दे दिया इसे। इसके बाद यहाँ से प्लीज़ वेटिंग जो कर रहा है वेट कर लेते हैं, कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये इंटरफेस हुआ, यहाँ पे फिर से अब अलाउ कर देते हैं ठीक है। अलाउ करने के बाद अब नीचे यहाँ देखते हैं आप क्या इंटरफेस ओपन होता है, प्लीज वेटिंग वेट करने बोल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे यू आर लॉग्ड इन एज रोशन विश्वकर्मा, मेरा मतलब ये ईमेल आईडी जो है लॉगिन हो गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले नेम रोशन, यूजर नेम रोशन विश्वकर्मा और कनेक्शन गूगल ड्राइव पे मैं ये कनेक्शन टाइप दिया हूँ ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो है ये ऑलमोस्ट डन हो ही गया है। अब कनेक्टिंग का क्लिक कर देंगे, कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से अपना फिंगरप्रिंट लगा लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं 15 GB का मेरा फिर से स्टोरेज मेरा क्रिएट हो गया, यानी कि मेरा ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना हो गया, 3 ड्राइव यहाँ देख सकते हैं, 2 और नीचे है। हाँ, यहाँ देखिए टेक आर 15 GB, टेक आर 2.0 15 GB, रोशन जो है वो 15 GB, अभी 1% यूज है ठीक है। तो यहाँ इसी तरह से आप अपने फ़ोन का स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें कोई फाइल डेटा वगैरह रखिए, जैसे नॉर्मल आप अपना फाइल मैनेजर यूज करते हैं सेम उसी तरह से आप अपने फ़ोन के स्टोरेज को यूज कर सकते हैं, टेंशन फ्री हो जाना है। अब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जो आप यूज करेंगे ये स्टोरेज वो आपके फ़ोन में ये गूगल ड्राइव जो है वो यूज करने के लिए आपके फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए, और ये इंटरनेट पे ही आपके गूगल ड्राइव पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, सारा डेटा जो भी रखेंगे वो उस पे अपलोड रहेगा, यहाँ से डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। मैं आपको जैसा बताया कि जैसे आप नॉर्मल अपना फाइल मैनेजर यूज करते हैं सेम वैसे ही यूज इसको भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो थोड़ा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए, घंटा घंटी जो भी है बजा दीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग के साथ भी, काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है स्टोरेज प्रॉब्लम कि भाई स्टोरेज ही फुल हो जा रहा है, 128 GB है फिर भी फुल हो जाता है। हाँ, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बता दिया, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्त को, ज़्यादा नहीं एक दो दोस्त को शेयर कर दीजिए जिसे आप मानते हैं ज़्यादा। तो बस अभी के लिए इतना ही, अगर वीडियो थोड़ी पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी तो बजा ही लेना है। तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।